क्या आप नहीं, जब आप पैदा हुए थे आपको नजर आता था, उसके बाद आपको मसला हुआ? हाँ जी, उसके बाद के बाकी भाई हैं वो लोग इतना कमा लेते हैं कि आपका आजकल के ज़माने में आपको पता है कितने अखराजात हैं, कितना कुछ है कि वो सारी घर वालों की ज़रूरियात ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो रहा है? ज़रूरतें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही। क्या ख्वाहिश थी, अब क्या बनना चाहते हैं? मैं टीचरों को देख के ना बड़ा खुश होता था, मैं कहता था मैं एक टीचर बनूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अनफाल अगर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक नबीना भाई के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पर इस मार्केट में लिबर्टी मार्केट में होते हैं, लोगों का वज़न चेक कर रहे होते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इनको बाहर यूँ निकलना पड़ा, ये वज़न चेक कर रहे हैं इस टाइम पर बैठ के। क्या वो नबीना है, वो उनकी फैमिली में क्या कोई और नहीं है जो फैमिली का जो रन कर सके, कमाए बाहर जाके, आखिर इनको ही क्यों बाहर निकलना पड़ा, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं आपकी कितने बच्चे हैं आपके? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, तो जो आपका घर है आपके खानदान में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में हम 7 और 9 लोग हैं हम। अच्छा, आप 9 लोग एक घर में रहते हैं, उनमें कौन कौन अफराद शामिल हैं 9 लोगों में? मेरे हम चार भाई हैं और 3 सिस्टर हैं और वालिद वालदा। अच्छा, तो आपके वालिद क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब की जूतों की शॉप अपनी उधर अपने इलाके में ही है। और जो बाकी आपके 4 भाई हैं वो क्या करते हैं? जी बाकी 3 भाई हैं मेरे, वो एक जो 2 जो हैं वो शादीशुदा हैं तो वो अपने जो है मतलब अलग से अपना घर चला रहे हैं, और मेरा एक छोटा भाई है वो जो है वो अपना काम करता है। तो वालिद साहब हमारे साथ हैं। जो उनकी बीवियाँ हैं वो भी आपके साथ ही रहती हैं यहाँ पे शादी के बाद? नहीं, अलग रह रही हैं। अच्छा, वो अलग से रहते हैं। तो वो आपके जो बाकी 3 भाई हैं वो क्या करते हैं? दोनों भाई जो हैं वो बड़े मुझसे बड़े हैं, वो करते हैं जी एक ककुल एकेडमी में, वहाँ पे शूज़ वगैरह जो आर्मी वालों के बनते हैं। अच्छा। वो बनाते हैं, और दूसरा जो भाई है वो भी जूतों का ही काम करता है। तो दूसरा जो छोटा भाई है मेरा वो गाड़ियों का मैकेनिकल काम करता है। किसी बहन की शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी सिस्टर छोटी है मेरी, उनसे उनकी शादी नहीं हुई, और मेरी एक सिस्टर है वो ब्लाइंड है, मुझसे बड़ी है वो। वो आप भी क्या पैदाइशी आप इस तरह से आपको नज़र नहीं आता, या फिर बाद में भी हादसा हुआ था? जी मेरे साथ बाद में ना मैं बचपन ही में, लेकिन हादसा मेरे बचपन में ही हुआ था। तो क्या आप नहीं, जब आप पैदा हुए थे आपको नज़र आता था, उसके बाद आपको मसला हुआ? हाँ जी, उसके बाद हुआ। तो जो आपकी बहन है उसको क्या मसला, वो भी पैदाइश से ही इस तरह से कि यहाँ बाद में हुआ? नहीं, वो पैदाइशी ही इसी तरह है। तो जो आपके बाकी भाई हैं वो लोग इतना कमा लेते हैं कि आपका आजकल के ज़माने में आपको पता है कितने अखराजात हैं, कितना कुछ है कि वो सारी घर वालों की ज़रूरियात ख्वाहिशात सब कुछ पूरा हो रहा है? मैम देखें कि आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि ज़रूरतें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पा रही, तो वो लोग अपना मर के जो है ना अपना गुजारा करते हैं, और इतने ज़ाहिर रोज़गार भी इतना उस तरह से वो नहीं है। तो जो आपका घर है वो किराए का या फिर आपका अपना घर है? हमारा अपना घर है उधर इलाके में जहाँ पे हम रहते हैं, एबटाबाद में। बेसिकली मैं KPK से हूँ, एबटाबाद से। तो जो आपकी बाकी सारी फैमिली है वो यहाँ पे लाहौर में आपके साथ रहती है? नहीं, मेरी फैमिली यहाँ पे लाहौर में नहीं है। तो आप यहाँ पे किसके पास रहते हैं? यहाँ पे मैं खुद मतलब चंद दोस्त हैं मेरे साथ, तो उनके साथ जो है ना रेंट पे हम यहाँ पे रहते हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए, लाहौर क्यों आ गए आप? मैं अपना जो है वो मैंने स्टडी करना चाह रहा था। पहले मैंने प्राइमरी की एबटाबाद से, और उसके बाद वहाँ पे कोई हमारे मतलब हिसाब का जो स्पेशल जो एजुकेशन हमें दे सके उस तरह का कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पे नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे पहले आया फैसलाबाद में। फैसलाबाद में मैंने आके मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद फिर मैं लाहौर में आया और FA, और अभी ग्रेजुएशन मेरी कंटिन्यू है। अच्छा, आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे ये चीज़ बताएं आपको इस चीज़ की मोटिवेशन किससे मिली, क्योंकि अक्सर लोगों का होता है अगर किसी के जान में कोई भी मसला है ना तो लोग वो हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि यार नहीं हम तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले मैं लोगों को कहूँगी ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ना इनको नज़र नहीं आता उसके बावजूद ये पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने का शौक़ है। तो आपको ये चीज़ किससे देख के आपको दिल किया कि हाँ आपको भी पढ़ना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए? देखें जी, पहली तो बात यह है कि अगर रब की ज़ात एक आपसे एक दर बंद करती है ना तो 100 दर खोल भी देती है, ठीक है। एक अगर नेमत उसने ली है तो आपकी और फ्लाइटें जो हैं वो रब की ज़ात उजागर करती है। और मेरे एक दिल में ख्वाहिश अभी भी है, ठीक है, जो कि मैं करना चाहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो स्टडी तो मेरी किसी हद तक जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, और मैं स्टडी जो तालीम हासिल कर रहा हूँ उससे मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई सरकारी जॉब हासिल कर सकूँ। और बचपन से आपकी क्या ख्वाहिश थी, आप क्या बनना चाहते थे, आपने क्या क्या सपना देखा शुरू से कि आप
बड़े होंगे आप क्या बनेंगे, उसके अलावा बनके आप किसको संभालना चाहते थे, अपने कुछ घर बनाना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे? मैं जब प्राइमरी में था ना, तो उस टाइम मैं जब देखता था कि ज़रा हमारी एक छोटी सी दुनिया उस टाइम होती है, तो मैं टीचरों को देख के ना बड़ा खुश होता था। मैं कहता था मैं एक टीचर बनूँगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई में कैसे थे? जो शुरू में मैं मतलब जब प्राइमरी मैंने किया तो उस टाइम तक मैं ठीक था। मतलब हमारा ना स्पेशल एक सिस्टम होता है जो हाथों से हम छू के पढ़ते हैं। ठीक है, अल्फाज उभरे उभरे से होते हैं, वो हम हाथों से छू के पढ़ते हैं। तो पढ़ाई में मैं लायक था, लेकिन उसके बाद प्राइमरी के बाद जो है ना 6-7 साल का मेरा स्टडी में ब्रेक आ गया, तो जिसकी वजह से मतलब ज़ाहिर है लाहौर में मैं अकेला आया हूँ पहली बार जब आया हूँ या फैसलाबाद में। तो घर वाले जो है वो मतलब केयरफुल थे, वो मतलब इस तरह मुझे घर से बाहर अकेले जाने नहीं दे रहे थे। तो उनको बड़ी मुश्किल से मैंने कन्विंस किया कि नहीं, मैंने कुछ करना है, मैंने ऐसे घर पे बैठ के या ऐसे ही जो है ना ज़िंदगी नहीं बसर करनी, मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा आप ये किसको देख के मोटिवेट हुए, किसी ऐसे को आपने देखा? अच्छा, आप अपने टीचर्स को देखते थे, आप पढ़ाते थे, तो आपके दिल में शौक पैदा होगा कि हाँ आप भी पढ़ेंगे और पढ़ लिख के आप लोगों को पढ़ाएंगे। हाँ जी, आप ऐसे ही बच्चों को पढ़ाएंगे जी। तो आप मुझे ये बताएं, आपको आपके घर वालों ने यहाँ पे कैसे आने दिया? आपने बताया आपकी बाकी सारी फैमिली तो आपकी वहाँ पे रहती है, आप नबीना, उसके बावजूद आपके घर वालों ने आपको यहाँ पे आने दिया? मैं तकरीबन 5-6 साल हो गए मुझे, मैं 2 साल तकरीबन फैसलाबाद में रहा और उसके बाद 4 साल मुझे क्या करते फैसलाबाद में भी, मैं ना वहाँ पे भी एक NGO थी जिसके पास में आया था और वहाँ पे मैं आके स्टडी कर रहा था। मैट्रिक मैंने वहाँ से की है और उसके बाद जो है ना मैं लाहौर में आ गया, तो लाहौर में आके मैंने स्टडी आगे मतलब कंटिन्यू की और फिर यहाँ पे ही बस रहना शहना सारा कुछ। आप अपनी पूरी फीस पे करते हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरफ से आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है? क्योंकि आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि ऐसे लोगों का होता है कि कुछ परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है। जिस कॉलेज में मैं स्टडी कर रहा हूँ वहाँ पे हमारा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अच्छा, तो आपको ये किसने कहा कि आप पढ़ तो रहे हैं, आपको पढ़ने का शौक है, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये किसने कहा कि ये आइडिया आपको किसने दिया कि आप बाहर निकलें, आप खुद निकल आप काम करें, आप बजाय कि आप जाएं जाके किसी से मांगें, रोड्स पे मांगना शुरू करते हैं, आप कुछ ऐसा करें, आप उसको छोड़ के आप आएँ, आप यहाँ पर आके खुद लोगों का आपने ये ऑप्शन रखी कि लोग आएँ वेट करें और आपको आप पैसे दें, ये आपको किसने आइडिया दिया? मैम ये एक मेरे दोस्त ही हैं और वो बड़े मतलब यहाँ लाहौर में एक NGO चला रहे हैं, शमशाद साहब। ठीक है, शमशाद बशीर वेलफेयर फाउंडेशन उनकी एक NGO है, तो वो चला रहे हैं, तो वो ख़ुद जो है ना वो वेट स्केल लगाते हैं। तो मैं जब इनके पास आया तो इन्होंने मतलब मुझे बताया कि मैं इस तरह से मतलब कोई 18-20 सालों से ये काम कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे लिबर्टी में आके ये काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए लिबर्टी में ये काम करते हुए, जब से आप लोग हो रहे हैं आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो ये जो पैसे हैं आप इनसे क्या करते हैं? मैम मेरा एक तो ये होता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और घर को भी कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाता हूँ, लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं वो यकीन जाने के मुश्किल से मेरा अपना गुजारा हो रहा है, घर को मैं बिल्कुल भी अफोर्ड मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा। नहीं, तो आप मुझे ये बताएं, जब उसी दिन लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद आप क्या करते थे, आप कैसे सरवाइव कर रहे थे? बड़ी मुश्किल से सरवाइव किया, जो कुछ हो सका भाइयों से उन्होंने भी हेल्प की, वालिद साहब ने। अच्छा, आप यहाँ पे बेशक आ गए तो आपके घर वाले आपको अभी भी सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में? कोई कोई भी चीज़ हो, आपने अपने कपड़े लेने या कुछ भी लेना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं? नहीं मैम, उनसे मैं कुछ भी नहीं लेता। अच्छा, आप अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं या फिर नहीं, घर के ज़रा जब हालात में देखता हूँ तो ज़रा मुझसे नहीं रहा जाता और मैं घर से कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं लेता मैं खुद, जो कुछ भी होता है। आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी, बस कुछ दोस्त हैं उनके साथ रेंट पे रह रहा हूँ यहाँ पे, हॉस्टल में नहीं। तो आप यहाँ से जो भी कमा रहे हैं इतना, सबसे पहली बात यह महंगाई का ज़माना है, ऊपर से कोई आए ना आए, एक दिन में आप ये बताएं कि एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं, मतलब कितने पैसे कमा लेते हैं यहाँ से आप? मैडम ये तो हवाई रोज़ी है, इसका कोई पता नहीं चलता, जब हो तो 1,800 ही हो जाता है, ना हो तो कुछ भी नहीं होता। नहीं तो आप 2-300 वेट किए बगैर आपको पैसे दे देते हैं? जी, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर जाते हैं। तो आप मैं आपसे ये चीज़ पूछूंगी कि ठीक है, हम लोग जब पढ़ते हैं कहीं पर जाते हैं, लोगों को देख के हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिशात पैदा होती है कि वो इतना अच्छा खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, हम भी वैसे करें, तो क्या आपके दिल में कभी ये चीज़ आई है उस चीज़ों को देख के? और ईद हो या फिर कोई भी अच्छा त्यौहार हो तो आप अपने घर में चाहते हैं या फिर आपने जब से बताया कि आप 2 साल से यहाँ पे हो यहाँ पे मनाते हैं? नहीं, मैं जो त्यौहार वगैरह होते हैं या जिस तरह ईद वगैरह अभी आएगी, रमज़ान आएगा, ठीक है, ईद पे मैं घर पे जाऊंगा, मैं जाता हूँ घर, ठीक है, और जिस तरह लोग मतलब अच्छा खाते पीते हैं, अच्छा लाते हैं और अच्छे मतलब वेल ड्रेस होते हैं, तो इस तरह हमारी भी ख्वाहिश होती है, बिल्कुल होती है, हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो मतलब दूसरा जो
मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छा दिख रहा है, मुझसे अच्छा मतलब खा पी रहा है, लगा रहा है, मैं उसी जैसा हूँ बिल्कुल। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है। तो हम भी यही, घर वालों ने कभी आपसे इस चीज़ का तकाजा किया कि आप बड़े शहर में गए और वहाँ पर जाके काम भी करें, पढ़ें या जो भी करें, आप उनको भी कुछ पैसे दो? नहीं, उन्होंने ये मुझे नहीं कहा, क्योंकि एक बार की बात है कि इसी तरह मैं इधर से गया हूँ जब, तो मेरे पास कुछ 10-12 हज़ार रुपया था, तो घर के हालात कुछ मतलब इस तरह के नहीं थे कि मैं देख सकता, तो मैंने कुछ जो मेरे पास पैसे थे 7-8 हज़ार रुपया, मैंने उनको वो दिए। तो वालद साहब ने जब हाथ में पकड़ा, कहते हैं मैं इस बच्चे से कैसे पैसे लूँ, मैं नहीं ले सकता। बारह मैंने कहा आप देखें कि मैं भी आपका बेटा हूँ ज़ाहिर है, तो चलो मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो तो मैं दूँगा आपको, ठीक है। तो ज़ाहिर अब आपके पास नहीं है तो इसमें आपका कसूर कोई नहीं है या किसी और का नहीं है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमें ये बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि हम हाथ पांव सब कुछ हमारा काम करता होता, फिर भी हम लोग फारिग बैठे होते हैं, या हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि कोई और आए हमें काम करके दे, और हम इस तरह की हरकतें करते हैं, आलसी हरकतें करते हैं, उनको नज़र नहीं आता, उसके बावजूद वो पढ़ भी रहे हैं और अपने घर से इतनी दूर आए हैं, यहाँ पर आके वेट मशीन लेके बैठे होते हैं, लोगों का वेट चेक करते हैं, लेकिन वो अपने घर वालों को भी पैसे देते हैं अगर उनको ज़रूरत पड़े, और उसके बावजूद आपको पता है यहाँ पर कितनी महंगाई हो चुकी है। अगर हम पढ़ाई के अखराजात देखें, खाने पीने के कुछ भी हम देखें, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, वो अपने तमाम अखराजात हैं वो खुद उठा रहे हैं ना बिना होने के बावजूद। हमें ऐसी स्टोरी से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हासिल होनी चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए ऐसे लोगों से, बजाय कि हम में से कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे चलते फिरते कह देते हैं यार ये तो अंधा है, ऐसा है वैसा है, ये बैठा हुआ है या इसकी टांग नहीं ठीक है, ऐसे लोगों को बातें करने के बजाय ना मेरे ख्याल में हमें ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से हम बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं अभी आप कौन सी डिग्री करें, क्या पढ़ रहे हैं? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीए एसोसिएट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं? इसके बाद मैडम देखें कि हालात इस तरह के नहीं हैं कि मैं कुछ आगे स्टडी कर सकूँ, लेकिन मैं कोशिश भरपूर कर रहा हूँ कि मैं बीएस में आगे एडमिशन लेके, तो आगे जो है वो बीएस उर्दू करके उसके बाद कोई टीचर वगैरह की किसी पोस्ट पर अप्लाई करूँ। आपको इस चीज़ में कोई सपोर्ट करता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ें, आप आगे जॉब करें, आपके टीचर्स में से कोई यहाँ ये इतना काबिल बच्चा है, ये पढ़ना चाहता है, इसमें लगन है, ये मेहनत करना चाहता है? जी कहते तो सभी हैं, ठीक है। कोई मदद करता है आपकी? इनको ही इस तरह की हेल्प नहीं करता किसी किस्म की, बस कहने की हद तक मतलब हैं, और सपोर्ट बस ये कहने की हद तक होता है, और कुछ लोगों पे मान भी होता है जो काबिल होते हैं, ठीक है। वो जब कोई बात इस तरह की करते हैं कि आप मतलब स्टडी करो आगे और फलां डिग्री करो, मतलब उसमें आप कामयाब हो गए और आप इसको इसके आगे आपको मौके भी मिलेंगे, आपको जो है इसका कोई फ़वाद भी मिलेंगे, तो फिर मतलब अच्छा लगता है ज़रा। आप मुझे ये बताएं कि एंड पे एट द एंड हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे ये बताएं जब आप यहाँ पे बैठे थे कभी किसी ने आके आपको ऐसा कहा कि ये बुरा काम है या कुछ भी यहाँ नज़र नहीं आता, ऐसी कभी कोई गलत बात थी किसी ने? देखें दुनिया जो है वो मुख्तलिफ तरह की सोच रखती है, कोई एक सोच का हामिल कोई भी शख्स नहीं है। अब यहाँ पे मतलब मैं काफ़ी डिग्रेड भी हुआ हूँ, ठीक है, और काफ़ी जो है लोग जो हैं वो मतलब अप्रिशिएट भी करके गए, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब गलत है या सही है, ठीक है, मतलब दोनों तरफ से मैं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी मेहनत करके किसी के आगे हाथ ना पिलाऊँ, ठीक है, किसी से कुछ मांगूँ ना। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना काम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इससे भी हट के मैं अपना कोई मेहनत करके अपना कोई रोज़गार वगैरह कमाना चाह रहा हूँ जिससे मैं अपनी बाजत ज़िंदगी गुजार सकूँ। जी नाजरीन, आपने जानी इनकी कहानी, हम स्क्रीन पर इनका नंबर दे देंगे, ऐसे लोगों से ज़रूर मदद करनी चाहिए, हमारे लिए एक बड़ी मोटिवेशन स्टोरी है कि मैंने आपको पहले भी बताया वो नबीना होने के बावजूद वो पढ़ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा रहे हैं और खुद खा रहे हैं और घर वालों को भी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।